अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर पर भारत ने भी पलटवार कर दिया है। बुधवार को भारत सरकार ने अखरोट पर इंपोर्ट ड्यूटी 30% से बढ़ाकर 100% कर दी है। इसके अलावा बादाम पर इंपोर्ट ड्यूटी 65 रुपए से बढ़ाकर 100 प्रति किलो कर दी है। ये इसलिए भी अहम है कि भारत अमेरिका से बड़ी मात्रा में बादाम और अखरोट आयात करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा प्रोटीन कंसंट्रेटेड इंपोर्ट ड्यूटी भी 10% से बढ़ाकर 40% कर दी है, जिसे भी खास तौर पर अमेरिका से बड़े स्तर पर इम्पोर्ट किया जा सकता है। प्रोटीन कंसंट्रेटेड से चीज बनाया जाता है और साथ ही इसे बॉडी बिल्डिंग संबंधित प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत अमेरिका से बादाम इंपोर्ट करने वाले बड़े देशों में शामिल है। अगस्त 2016 से फरवरी 2017 के बीच भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा बादाम का आयात करने वाला देश था। इसके अलावा भारत अखरोट का भी बड़ी मात्रा में अमेरिका से इंपोर्ट करता है। अमेरिका ने 9 मार्च को भारत सहित अन्य देशों से आयात होने वाले स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% अतिरिक्त ड्यूटी लगाई थी। अमेरिका के इस कदम से केवल कनाडा और मेक्सिको को छूट दी गई थी। ड्यूटी में यह बढ़ोतरी 21 जून 2018 से लागू होनी है। भारत ने कहा था कि अमेरिका ने यह कदम बिना चर्चा के उठाया है। भारत ऐसे में अमेरिका को दी जा रही रियायत को खत्म कर सकता है। उधर भारत ने अमेरिका से स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए जाने की शिकायत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में की है। WTO द्वारा बुधवार को पब्लिश की गई फाइलिंग में यह बात सामने आई है। भारतीय अधिकारियों ने बीते महीने कहा था कि अगर भारत की कंपनियों को इससे छूट नहीं दी जाती है तो यह मामला WTO में उठाया जाएगा। भारत, चीन, रूस, जापान, तुर्की और यूरोपियन यूनियन सभी ने अमेरिका के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि US टैरिफ सेफगार्ड WTO के अंतर्गत आता है, इसलिए वे कुल $3.5 अरब का सालाना कंपनसेशन पाने के हकदार हैं। भारत ने दावा किया है कि उसे एल्युमिनियम एक्सपोर्ट पर $3.1 करोड़ और स्टील पर $13.4 करोड़ का बोझ पड़ेगा। भारत अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले कई अन्य प्रोडक्ट पर भी एक्शन ले सकता है। भारत ने कहा था कि 20 अमेरिकी उत्पादों पर 100% तक ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसमें सेब, बादाम और आयात होने वाली मोटरसाइकिल और अन्य उत्पाद शामिल है। भारत यह जानकारी WTO को भी दे चुका है। इन 20 वस्तुओं में ताजे सेब, मटर, अखरोट, सोयाबीन तेल, प्राकृतिक पामोलिन, कोको पाउडर, चॉकलेट उत्पादक, गोल्फ कार, 800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के साथ मोटरसाइकिल और अन्य वाहन शामिल हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।